प्रकार से 22 के 22 जिलों के अंदर जाकर बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने संयुक्त तौर पर जिला की बैठकें शुरू करी है। वही कार्यकर्ताओं की आगामी 25 सितंबर को होने वाले जन सम्मान दिवस का निमंत्रण करके चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस उसका ऐतिहासिक स्वरूप में कैसे बनाया जाए, मांग साथियों की जिम्मेवारी लगाई। आज इस बैठक का उद्देश्य एक और भी था, तमाम कार्यकर्ता मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव जो कि लगभग 45-50 दिन बाद मजबूती से उसकी कार्रवाई में उतरे, घर घर जाकर हर बूथ पर 50% वोट को अपने पक्ष में लेने का एक टारगेट लेकर आगे बढ़ने बनता और साथ में सरकार की पोल भी खोले। जिस प्रकार से सरकार ने 5 साल के अंदर इस प्रदेश को बर्बाद किया, तोड़ा, लूटा, जलाया, आज मुख्यमंत्री यात्रा निकाल रहे, मुख्यमंत्री ये नहीं बता सकते कि यात्रा में वो आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं या लेने का काम कर रहे हैं। और उनकी ये हालत है कि अगर वो आशीर्वाद दे रहे तो क्या आशीर्वाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार आग जलाने का, 80 लोगों की जान लेने का, हजारों करोड़ों के घोटालों का आशीर्वाद, युवाओं को बेरोजगार करने का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम को बिहार से भी ज़्यादा ऊंचा पहुँचाने का, और अगर लेने का काम करे फिर तो हैरानी की बात है, 20 फुट ऊंचाई पर खड़े होकर वो जनता से किस चीज़ का आशीर्वाद लेना चाहिए। बुजुर्ग युवा साथी, मैं तो एक चीज जरूर बोलूंगी, एक हमारे कहावत है सुधी छुपी माछल के नेता, और वो इस सरकार पे सटीक बैठती क्योंकि तो जिस तरह का इनका चेहरा रहा उसके अंदर इनने खदानों में पैसे खा, मेडिकल फैसिलिटी में पैसे खा। आज हम बात करें तो आप खुद देखो, किलोमीटर स्कीम हो, बिजली के मीटर के अंदर हो, आज GST के अंदर हो, फेक टिकटिंग के अंदर हो, और जो नारा इन्होंने दिया है 75 पार का, मुझे लगता है चुनाव आते आते इस सरकार के घोटालों की भी संख्या 75 पार कर लिया। अब आप पूछ ले सर, 75 पार का नारा भाजपा ने जो दिया है 1.5 महीने से तकरीबन 15 साल रह चुका है, विकल्प के तौर पर क्या JJP जाएगी चुनाव में? हमारा गठबंधन जाएगा, उसके अंदर JJP और BSP मिलकर इस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। क्या दुष्यंत सिंह चौटाला ये नहीं सोचते कि 50-40 का गठबंधन है, उसमें टिकट बंटवारे को लेकर कलह होगी, जिसका या तो आप सोच लो या आपको छोड़ दो, ये या तो किसी मीडिया एजेंसी का काम छोड़ देते, हम भी टिकट आप पा या राजनीतिक दलों पर छोड़ दे, अगर कलह होनी हो कुछ हो जाए। सोनीपत में जिस प्रकार का सीएम के सामने आया है, समीर सिंह का दिखाई जिस तरह की घटना सोनीपत में हुई, एक व्यक्ति ने अपने आप में पेट्रोल गिरकर आग लगाने का काम किया और मुख्यमंत्री ने देखते देखते जब माइक से बात की आग लगी, उसके तुरंत बाद ना कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी टीम को भेजते या खुद जाते, अंदर जाके अपने रथ को बगाड़ने का काम, ये अपने आप में साबित करने में कि व्यक्ति जिस व्यक्ति ने हरियाणा में 80 लोगों की सरकारी गोलियों से जान ली वो तो पूरी तौर पर उस हिंसा का जिम्मेवार था, और उस व्यक्ति की घबराहट ने यह साबित कर दिया कि उसकी वजह से आज प्रदेश के अंदर क्राइम दिन प्रतिदिन इतना बढ़ा है। गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, सारे जितने भी तमाम बैंक की धरती पर आपको चाहिए, सारे चैनल एक हो जाए, आप करते हो फिर हम भी करते पूछ रहा हूँ, आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया। सर, JJP पार्टी का किस तरीके से गठन किया गया अब तक, जो दौर आपकी पार्टी ने देखा है, क्या अभी तक आप खुश हैं कि फैसला सही लिया गया था? 10 महीनों के अंदर
अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हमने कांग्रेस, लोकदल, लसपा, तमाम संगठन जो हमारे से पहले बने उनको अगर पिछाड़ा है तो बिल्कुल संतुष्ट भी है और आज एक विश्वास के साथ मैदान में है कि प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन अगर करेगा तो बहुजन समाज पार्टी के नए जनता पार्टी में गठन होगा। तो पहली बार आ रहे चुनाव आएंगे तो और भी आने वाले और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि खट्टर साहब भी वीरेंद्र सिंह जी की तरह मुख्य प्रधानमंत्री को लट दे तो इनके लोग लटम लट हुए हैं। स्पीड से लोग गए थे हजार सेता लगने तो टिकट का बंटवारा होने तो उससे दुगनी स्पीड से लोग बार भी भागने का काम। सर आपने एक और 11 का जो नारा दिया है अभी उसमें आप जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इतना बोलूंगा हमारा नारा है किसान के मेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़। आज जनता ने अगर चंडीगढ़ के अंदर सेक्रेटरी की चौथी मंजिल पर अपने अधिकारों की लड़ाई के रास्ते को खोलना है तो आधी चाबी लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका। उस ताले को खोलना आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा की जनता। सर आपकी जनसभाओं में हमेशा से जो प्रेजेंस ऑफ मास है चाहे महिलाएं लगा लो चाहे युवा चाहे बुजुर्ग हमेशा से काफी मुड़ मुड़ कर आता है सर लेकिन वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पा रहा है क्या इसको लेकर चिंता? लोकसभा चुनाव के परिणाम विधानसभा के चुनाव के परिणामों को कभी आप नहीं नाप सकते क्योंकि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री के चेहरे के लोगों ने वोट देने का काम किया और वहाँ राहुल गांधी मोदी जी के आगे फेल हुए। प्रदेश की जहाँ बात आई थी वहाँ विधायक को भी लोग वोट देते अरे विधायक के चेहरे को वोट मिले तो आप ये मान कर चलना कि जब वोट बैंक की आप कह रहे हो कि तब्दील होगा मैं ये मानता हूँ कि आपको ऐतिहासिक संख्या में लोगों की जनभावनाएं इस गठबंधन के प्रति मजबूत लोकसभा में टिकट बंटवारे में आपने युवाओं को तरजीह दी है विधानसभा में एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी या युवाओं को फिर से बराबर बैलेंस किया जाएगा? क्या वोटिंग के अंदर 56% युवाओं का अधिकार है बिल्कुल हम प्रयास करेंगे गठबंधन के तौर पर 50% हम 40 साल से नीचे के युवाओं को उतारे मैदान बिल्कुल कहीं एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। हर सीट पर युवा जोश तो काम नहीं दे सकते मगर हरियाणा प्रदेश के युवा को उसका अधिकार पूरी तौर पर देंगे और इसलिए वो मुहिम भी लेकर चले हैं रोजगार मेरा अधिकार जिसमें हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक रोजगार में 75% आरक्षण हरियाणा के मूल निवासियों को। और एक चीज जरूर आज आपको बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा इंक्वायरी भी कर ले आप उसको छापे भी दिखाए पिछले महीने की 26 तारीख को SDO इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू रिजल्ट हुआ और हैरानी है कि 80 पोस्ट जनरल कैटेगरी के हरियाणा डोमिसाइल के केवल मात्र 2 व्यक्ति प्राप्त। आप सोचो कि आज आपकी नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी किस हालात से केंद्र सरकार ने कम कर हरियाणा की जनता चाहती है कि उसको रोजगार का अधिकार मिले तो इस गठबंधन में। सर दिल्ली में जिस तरह से संत रविदास जी का मंदिर है वो गिराया गया है इसको लेकर आपकी पार्टी और बसपा क्या स्टैंड है? मैं तो धन्यवाद करूंगा बहन जी का जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए आज उनकी मदद के लिए इनने वकील मुहैया कराने का काम किया और वो जो मामला है बहुजन समाज पार्टी का अन्य और पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में घूम किया अभी सब जुडिश है मगर जो हुआ जिस तरीके से हुआ बड़ा निंदनीय था कि रात को कोर्ट खुल जाते हैं क्रिमिनल्स के ऐसे बड़े एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक ना सुना ये साबित कर देता है कहीं ना कहीं हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को जो धार्मिक धरोहर है उनसे लोगों की जनभावनाएं इस सरकार ने जान बुझ के करवाने का। सवाल है सर बिल्कुल आखिरी सवाल है